हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीते दिनों फीमेल डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और फिर हत्या के मामले ने पूरे देश में गुस्से का माहौल कर दिया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में इस दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। घटना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लोगों में आक्रोश दिखा। बॉलीवुड से भी कई स्टार्स ने इस मामले की निंदा करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिनमें अक्षय कुमार, रकुल प्रीत, स्वरा भास्कर, पायल रोहतगी, सलमान खान का नाम शामिल है। वहीं इस मामले पर अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और बॉलीवुड एक्टर एजाज खान, जो अपने तीखे और तेज तरार बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने भी इस मामले पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, अत्यधिक दुखी, क्रोधित और फिर असहाय महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रियंका के लिए हमारे सामूहिक गुस्से का परिणाम न्याय होगा। बहन तो बहन होती है, क्या फर्क पड़ता है नाम प्रियंका हो या आसिफा। बस अभी चार आरोपियों के नाम सुने, मोहम्मद पाशा, नवीन, केसावलू और शिवा, जिसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एजाज खान के इस ट्वीट पर कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, लेकिन कई लोगों ने उन पर तंज भी कसे हैं और कहा है कि जो खुद ऐसा होता है उसे ही ऐसे मामलों में भी हिंदू मुस्लिम नजर आता है। बता दें कि एजाज खान ने इस ट्वीट के अलावा एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि गलती सरकार की है और पुलिस कर्मियों की, जिन्हें सुई गिरने की भी खबर होती है लेकिन इतने बड़े हादसे की खबर नहीं होती। बता दें कि डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उस महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को जलता हुआ छोड़कर वहां से फरार हो गया।